Hello guys, Moshri here and welcome to my little world. So happy Diwali everybody. आज वैसे छोटी दिवाली है, कल है दिवाली, तो लेकिन यहाँ पे आज ही छुट्टी मिला है क्योंकि तमिल पीपल्स डे सेलिब्रेट दिवाली टुडे, तो उन लोगों के हिसाब से यहाँ पे छुट्टी मिलती है, तो आज है यहाँ पे दिवाली की छुट्टी, कल नहीं है. तो एनीवेज, सो हम लोग आज जो करते हैं ना, और आज की रात काली पूजा भी है बंगालीज, बेसिकली हम लोग काली पूजा करते हैं आज, जो कि आज रात को है. और आज हम लोग 14 दिए जलाते हैं, और कल मतलब दिवाली के दिन अब जितना मर्जी दिए जला सकते हैं, पर दिवाली के एक दिन पहले हम लोग 14 दिए जलाते हैं. तो अभी है शाम के ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं, और हम लोग हो चुके हैं तैयार, मतलब मैं तैयार हो चुकी हूँ और इंद्रजीत भी तैयार हो रहे हैं. हम लोग जाएंगे मेरी एक फ्रेंड के घर, आज है इन्विटेशन, दिवाली की पूजा है उनके घर में आज, तो वहाँ पे आज इनविटेशन है, और इसलिए हम लोग भी रेडी होके निकलने वाले हैं अभी. और मैं घर में थोड़ा बहुत डेकोरेशन वगैरह किया है, थोड़ा लाइट वगैरह लगाए हैं और रंगोली बनाई है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैंने घर में क्या क्या डेकोरेशन वगैरह किए हैं. सो लेट्स कम. जैसे मैं रेडीमेड रंगोली, उसके साइड पर थोड़ा बहुत मैंने ऐसी कलर वगैरह कर दिया है. यहाँ पे सारे दियेज है, दिया अभी तक मैंने जलाया नहीं, अभी जलाने वाली हूँ. तो मैंने यहाँ पे रेडी करके रख दिया 14 दिया. और ये रंगोली मैंने एंट्रेंस पे बनाया है, ये भी रेडीमेड ही है, वो जो मिलता है उसके ऊपर मल्टी कलर्ड, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सारे कलर एक साथ मिला के. और मैंने बेलकनी पे ऐसे थोड़ा लाइट लगा दिया. तो मैंने इतना सारी डेकोरेशन वगैरह किया, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई इस बार, तो इसलिए इतना ऐसा ही हुआ है. तो अभी हम लोग जाएंगे मेरे वो उस फ्रेंड के घर में, और उन लोगों के लिए मैंने लिया है एक हल्दीराम के ड्राई फ्रूट्स लड्डू आते हैं, सो उसका एक पैकेट मैंने ले लिया है. लेट मी शो यू. सो दिस इज़ द पैकेट जो मैंने ले लिया, जो कल मैं गई थी तो लेके आई थी उन लोगों के लिए. सो ये बड़ी जल्दी रेडी हो जाए तो फिर हम लोग निकल जाएंगे. मैंने थोड़ा बहुत बाहर जलाने की कोशिश किया लेकिन हवा की वजह से नहीं जल रहा है, तो मैं मोस्टली घर में ही जला दिया. और थोड़ा बाहर है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा. बाहर सिर्फ एक ही दिया जल रहा था, वो भी बुझ गया, इतना हवा चल रहा है. यहाँ पे अभी भी एक दिया बचा हुआ है. एंड दिस इज द. और हम लोग पहुँच गए हैं हमारे फ्रेंड के अपार्टमेंट में. उनके जो अपार्टमेंट है वहाँ पे बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्रैकर्स वो लोग जला रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में. और ये पहुँच गए उनके घर, ये लोग आरती वगैरह कर रहे हैं. नाउ इट्स कर्ड प्लेइंग टाइम. कर्ड बोलते मतलब ताश खेलते हैं ये लोग एक्चुअली, शगुन काइंड ऑफ, तो इसीलिए हम लोग भी खेल रहे थे. ऐसे कोई पैसे नहीं था लगाया था कोई, ऐसे ही सिर्फ जस्ट फॉर फन. और दिस वाज आवर डिनर. वेलकम बैक. सो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि आज है दिवाली, ऑब्वियसली वेडनेसडे. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन. सो आप लोग बहुत 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 सारे मज़ा इंजॉय करना, पटाखे, स्वीट्स, बहुत मस्ती करना. और वैसे तो अभी ऑलमोस्ट शाम के 5 बजने वाले हैं, तो सुबह से ना मेरा बहुत काम था एक्चुअली. मेरा जो कबर्ड है वो मैं सेट कर रही थी, वैसे तो पूरा सेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ना मेरे जो कबर्ड का डिज़ाइन है उसमें 90% चीज़ें मुझे हैंग करना पड़ रहा है, इसलिए हैंगर कम हो गया. सो आई हैव टू बाई सम मोर हैंगर्स फॉर दैट. सो वो काम पूरा नहीं हुआ, पर लेकिन पूरा सुबह मैं उसमें बिजी थी. और आज इंद्रजीत का ऑफिस भी है तो वो ऑफिस चला गया है. सो आज भी हम लोग का एक इनविटेशन है, वैसे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स रहने का ही मज़ा आता है दिवाली में. कल भी एक इनविटेशन था और आज भी एक इनविटेशन है हम लोगों का. सो यस, उसमें जाएंगे बाद में रात में.
लेकिन आज मैं पूरे घर में बहुत सारे दिए जलाने वाली हूँ। वैसे मैं कैंडल्स जलाऊंगी क्योंकि एक तो यहाँ पे जो रूम्स है ना, बेडरूम्स सारे उस सबका वुडन फ्लोर है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है एक्चुअली फायर कुछ भी जलाना, तो इसीलिए मैं कैंडल्स जलाऊंगी। अच्छा, रूम्स में नहीं जलाऊंगी, सिर्फ ये डाइनिंग प्लस ड्राइंग जो बालकनी है वहाँ पे एंट्रेंस पे बहुत सारी जगह पे ही बहुत सारे कैंडल्स जलाऊंगी मैं। सो यस, आज कैंडल जलाने वाली हूँ और क्या क्या करूँगी वो तो मैं शेयर करूँगी। क्यों तो आज के दिन मैं क्या क्या करने वाली हूँ, और पता है क्या, इस वीकेंड में ना हमारे यहाँ पे कुछ पॉपअप मार्केट जैसे छोटे छोटे स्टॉल्स काइंड ऑफ होते हैं वो लगने वाले हैं, तो इसलिए ना नीचे वो सब कियोस्क बना रहे हैं। लेट मी शो यू दैट। और यहाँ पे सारे कियोस्क ऐसे ये लोग बना रहे हैं, अभी तक पूरा ख़त्म नहीं हुआ और बारिश भी हो रही है एक्चुअली। सो वो सारे जो स्टॉल्स हैं वो सैटरडे संडे को लगने वाले हैं, दो दिन के लिए ही सिर्फ। तो अभी से ही ये लोगों ने अभी तक अपना स्टॉल मतलब स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने सब कुछ करना। सो एनीवेज, तो चलिए मैं दिखाती हूँ बाहर, मतलब एवरी डे ना अभी इवनिंग के टाइम पे बारिश हो रहा है। सो एनीवेज, लेट इट बी। तो चल आप लोगों को दिखाऊंगी मैं आज के शाम दिवाली में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। क्रैकर्स तो कल नहीं जलाए थे बट आज जलाएंगे, पर क्या है ना कि घर में तो नहीं जला सकते, घर के बाहर भी तो जगह, तो एक तो छोटा मोटा जलाएंगे शायद, देखती हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो तो, नहीं तो लेके चले जाएंगे दोस्त के घर, वहाँ पे ही सब एक साथ मिलके जलाएंगे क्योंकि अकेले जलाने में मज़ा नहीं आता। तो यस, सो चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। सो आई हैव लाइटन अप सम कैंडल्स और अभी हम लोग थोड़ा चाय पियेंगे और सो उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। सो डिफरेंटली आई एम गोना शेयर विद यू। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक फ्रेंड के घर में, हम लोग जहाँ पे एक साथ सब मिलके दिवाली की थोड़ी मस्ती करेंगे और क्रैकर्स वगैरह एक साथ जलाएंगे। दिस वॉज आवर प्लान बेसिकली। ये हम लोगों का जो पुराना जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे वही सेम अपार्टमेंट में ही रहते हैं ये लोग, तो उनके घर में हम लोग अभी आए हैं। और ये सारे क्रैकर्स जो कि हम लोग अभी जलाने वाले हैं, सो सब लोग रेडी हो रहे हैं और एक ग्रुप फोटो तो बनती ही है। सो दिस वाज आवर ग्रुप। 3, 2, 1 गो। इजी था मेरा छोटा सा दिवाली सेलिब्रेशन। मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा आपका दिवाली कैसा रहा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।